जब लॉकडाउन अचानक शुरू हुआ था तो हम सब एक कंप्लीट शॉक में आ गए थे। हम तैयार नहीं थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने किसी ने भी पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी थी, तो इसलिए हम बहुत परेशान हो गए थे। पर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में हमने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया था और फिर हम एक पॉजिटिव माइंड से हमने इस सिचुएशन को टैकल करने का निर्णय लिया और अच्छे से किया। कितनी सारी चीज़ों को डिस्कवर किया और हम अपने आप पे ही सरप्राइज्ड होते थे, या अपने अपने जो प्रियजन जो हमारे साथ थे उनसे छोटी छोटी खुशियां हमें समझ आने लगी कि जो असली खुशियां थी, यू नो, जिसके जिसके लिए हमें कहीं भागना नहीं पड़ता था। हमारा घर और घर की चार दीवार और अपने प्यारों के साथ हम बहुत अच्छे से खुशी इंजॉय कर सकते थे। पर अब क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया है और हमें बस एक ही सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, एक ही हालात में, तो अब जैसे इतना दिल उपसा गया है और फिर हम थोड़े नेगेटिव होने लगे हैं या डिप्रेस्ड होने लगे हैं, लो फील करने लगे हैं। एंड यू नो, यही है कि इस वक्त हमें अपने आप को फिर से याद कराना है कि नहीं, लाइफ इज वे मोर बिगर देन दिस सिचुएशन। ये बस कुछ दिनों की बात है, ठीक है, बहुत दिन लग रहे हैं, लेकिन जब पूरी जिंदगी की जर्नी में हम देखेंगे तो एक छोटा सा ही पल होगा। और इस वक्त हमें कईयों को यही लग रहा है कि हम तो एक, यू नो, पूरी दुनिया में एक बस छोटा सा एक तिनके जैसे हैं, लेकिन तब हमें याद कराना है कि हम किसी की पूरी दुनिया हैं। हमें लगेगा कि हमें ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं है, तो फिर रुक के सोचें, हमने किसको कहा है ये जो हमारी पूरी दुनिया है हमारे लिए? हमने उन्हें कितनी बार कहा है कि आप मेरी दुनिया हो? तो उसी तरह से शायद वो भी जो जिनकी हम दुनिया है, वो भी अपनी जिंदगी के कश्मकश जद्दोजहद में व्यस्त हैं और कह नहीं पा रहे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई मायने नहीं रखते। यू मीन अ फुल वर्ल्ड, अ होल वर्ल्ड टू मैनी, टू योर लव्ड वंस।